हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो प्रतिमा किचन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, जानू केरा कोफ्ता। तो देखिए, सबसे पहले इसको केले के मैं धो लिया हूँ। अब इसमें कुकर में रख देती हूँ उबालने के लिए। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर एक मीडियम साइज मैंने दो प्याज लिया हूँ और मीडियम साइज दो एक टमाटर है और यहाँ पर लहसुन का एक गांठ है, यहाँ पर अदरक है और हरी मिर्च है। और क्या करना है, फ़ौरन के लिए यहाँ पर मैंने जीरा और दालचीनी, एक इलायची, सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता और फिर एक स्पून लाल मिर्च पाउडर, दो स्पून धनिया पाउडर, एक स्पून हल्दी पाउडर और आधा स्पून मरीच पाउडर। और क्या करना है, मेरा तो यहाँ पे मेरा इसी तरह से सबको निकाल लेना छिलकर। सबसे पहले जार में लहसुन, अदरक और थोड़ी सी यहाँ पे प्याज, थोड़ा सा ये टमाटर रख के क्या करना है, दो स्पून बेसन, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। कुछ यहाँ पे मेथी पत्ता, क्या करना है सबको इस तरह से लास्ट में थोड़ा इसमें गरम मसाला ऐड कर देनी है। थोड़ा सा यहाँ पे पिसा हुआ, अब इसको अच्छे से मिला लेना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप लोग को भी फ्राई कर लेनी है। देखिए यहाँ पे जो मैं है, तो यहाँ पर तेज़पत्ता, जीरा और सूखी मिर्ची का और दालचीनी, इलायची का फूरन चटकने लगा। इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च डालूँगी। अब इसके बाद जो पेस्ट बनाई थी, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन का, वो भी मैं इसमें डालकर भूनूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि मसाला सूखा हुआ रहता है और मसाले अच्छे से भुनाए, जले नहीं। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी और अच्छे से भी इसको मिलाकर भूनूंगी। अब मैं इसमें दो स्पून बेसन ऐड करके भी भूनूंगी क्योंकि ग्रेवी अच्छा बनेगा, इससे ग्रेवी का टेक्सचर मस्त तैयार होगा। लगभग मेरा मसाला भुना गया है। देखिए मसाले से तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है, तो समझिए मसाला भुना गया है। बस थोड़ा सा और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जितना ग्रेवी रखना है उस अनुसार आप पानी इसमें ऐड कर सकती हो। इसको मिला देती हूँ थोड़ी अच्छे से क्योंकि बेसन अच्छे से घुल जाए। अब लास्ट में मैं डालूंगी आधा स्पून गरम मसाला
और इसको भी अच्छे से मिला देती हूँ और ढक देती हूँ। फाइनली 3 मिनट हो चुकी है, अब इसमें वाल आ गया है। अब मैं इसमें कोफ्ता डालूँगी, इस तरह से चला देती हूँ। मेरा वीडियो और मेरा रेसिपी आप लोग को अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अच्छे रेसिपी के साथ। थैंक यू।